हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि रेलवे में आ चुकी है एक और नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए रेलवे की नई भर्ती की पूरी जानकारी लेकर आए। तो रेलवे की तरफ से एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है नई भर्ती का। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से, यानी कि RRC की तरफ से। यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है आप देख सकते हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में वैकेंसी है रेलवे के। यहां पर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं आवेदन कब से कब तक चलेंगे ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये वैकेंसी जो है रियल वैकेंसी है। दोस्तों नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है, 6 मई को, ठीक है। आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, 27 मई से। लास्ट डेट क्या है इसके आवेदन करने की, 25 जून 2024। तो 25 जून 2024 तक जो है आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन इसके शुरू हो रहे हैं और आप देख सकते हैं 25 जून तक आपको अप्लाई करने होंगे। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की बात की जाए तो 65,000 रुपए महीना पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। तो सैलरी काफी अच्छी आपको मिल रही है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वहीं आपको बता दें कि यहां पर आपसे फीस नहीं ली जा रही है, बिल्कुल भी फीस नहीं ली जा रही है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी सिटी से अप्लाई करें, बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, सारी जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से बहुत ही ज्यादा शिकायत रहती है, आप वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पल पल की रेलवे की भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे नई भर्ती 2024 के बारे में, जिसका नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है नई भर्तियों का। आवेदन शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट जो है 25 जून 2024 से अप्लाई करने की। तो 25 जून से पहले अप्लाई करना है। वहीं सैलरी 65,000 रुपए पर मंथ आपको मिल रही है। और हाँ दोस्तों, यहां पर अगर आपकी एज है 18 से 42 साल तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज है कम से कम 18 मैक्सिमम 42 तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया की जॉब है। बाकी कंप्लीट जानकारी के लिए चलिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tipswarrior.xyz। यहाँ पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उससे पहले अगर आप रेलवे की, SSC की, बैंक की, पुलिस की, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिएगा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी। यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। आप देख सकते हैं यहां पर पल पल नई भर्तियों की अपडेट आपको दी जा रही है, आप रोजाना यहां पर चेकआउट भी कर सकते हैं। तो नई भर्तियों की जानकारी लेकर के अप्लाई भी कर सकते हैं, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जा रही है स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे YouTube चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको YouTube पर सर्च करना है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी, पूरा नाम आपको टाइप करना होगा तभी आपको ये YouTube चैनल मिलेगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नए रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि रेलवे की तरफ से निकाली गई है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है, ठीक है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। पोस्ट की बात की जाए तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पर ही भर्ती निकाली गई है। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 108 है। और रेलवे की इस वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वहीं सैलरी की बात की जाए तो लेवल 5 यानी कि 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है। और इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम है 42 साल तक की, आयु सीमा में छूट भी है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है, जनरल OBC SC ST PWD बिल्कुल सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर केवल डिग्री पास के लिए वैकेंसी है, अगर आप डिग्री पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाई करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी की सारी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। आधार कार्ड चाहिए आपका, एजुकेशन की जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट की जो भी मार्कशीट है वो आपकी यहाँ पर चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए आपकी, रिसेंट जो भी फोटोग्राफ है आपकी पासपोर्ट साइज की वो आपकी चाहिए। सिग्नेचर चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST या OBC NCLE कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए, और कोई भी अगर आपके पास NOC है या अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं।
अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं, फीस कैसे पे करनी है, सबमिट कैसे करना है, प्रिंटआउट कैसे निकालना है, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और आवेदन 27 मई से 25 जून तक चलेंगे, ठीक है। तो 25 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर है नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों नोटिफिकेशन आपके सामने है, मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरुआत में कि नोटिफिकेशन कहां से जारी किया गया है, आरआरसी की तरफ से, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। कौन सी पोस्ट है? गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। सैलरी कितनी मिल रही है? लेवल 5 के अनुसार, 7 सीपीसी के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर अब से कौन से वर्कशॉप में आपको जॉब मिलने वाली है और आवेदन कब से कब तक चलेंगे, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, फॉर्म सबमिट करना है, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कैटेगरी वाइज जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। मेडिकल जो एग्जाम होगा वो किस प्रकार होगा, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, सीबीडी बेस आपका एग्जाम लिया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपके मेडिकल एग्जाम होंगे। बाकी पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।